स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर में एक बार पुनः चुनाव संपन्न हुआ और इस बार नव निर्माण पैनल ने अपने पिछले किए गए कार्यों के दम पर पुनः जीत हासिल की। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर में एक बार पुनः संस्था का नेतृत्व करने के लिए चुनाव 11 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर नव निर्माण पैनल अपने अध्यक्ष राजीव चौबे के साथ भारी बहुमत से विजयी हुआ। हालांकि विरोधियों के द्वारा कई भ्रांतियां नव निर्माण पैनल के लिए फैलाई जा रही थी, जिसकी जानकारी समिति ने एक एक मेंबर को संपूर्ण दस्तावेज के साथ घर घर जाकर बताई थी। और स्मृति नगर के रहवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए पूर्व अध्यक्ष राजीव चौबे ने शासन प्रशासन से कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं और कई तरह की सहूलियतें उपलब्ध कराई हैं, जिसे देखते हुए स्मृति नगर की जनता ने एक बार पुनः अपना प्यार दुलार अपने पूर्व अध्यक्ष राजीव चौबे को देकर एक बार फिर अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार कई बचे हुए विकास कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अपनी जीत को लेकर राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी है। यह बताएंगे, काफी मुश्किल लग रहा था चुनाव, लेकिन फाइनली स्मृति नगर की जनता ने एक बार पुनः आप पर भरोसा किया है, आपको अपना आशीर्वाद दिया है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से अगला जो कार्यकाल होगा इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा जनादेश है। लगातार चौथी बार मुझे प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है और यहाँ के सदस्यों ने मुझे चुना है, हृदय से उनका आभारी हूँ। मेरा मुझे इतना मान दिया, उनके प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मेरी प्राथमिकता हमेशा स्मृति नगर के सदस्यों की सुख सुविधाओं की वृद्धि करना, संस्था के सभी साधनों से और सीमित साधनों के अलावा जो भी साधन मैं प्राप्त कर सकता हूँ नगर निगम से, राज्य शासन से, ये सारी सुविधाएं प्राप्त करके सदस्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, ये मेरी प्राथमिकता है। तो सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखना, यही मेरी प्राथमिकता है। अभी हाल फिलहाल की प्राथमिकता को तो कहेंगे सीवरेज लाइन जो है, सीवरेज सिस्टम जो है स्मृति नगर का लगभग ध्वस्त हो चुका है, इसको अपग्रेड करने के लिए मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, निवेदन किया था, उनको पत्र लिखा था। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र जो है नगर पालिक निगम भिलाई को आ गया है और उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए कहा गया है, तो उस पर काम चल रहा है। कुछ सड़कें बची हुई है सीमेंटीकरण के लिए, उनका सीमेंटीकरण करवाना है। संस्था की बहुमूल्य भूमि 9 एकड़ सुंदरम सेक्टर की जो इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पास बंधक थी, जिसको हमने छोड़वा लिया है पिछले दिनों और उसको बंधक मुक्त करवा लिया है, तो उस भूमि को विकसित करना है, एक नई और सुंदर कॉलोनी बनाना है। और इस तरह से जो मेरे सदस्य चाहेंगे उनके मनोन अनुरूप काम करना, यही हमारी प्राथमिकता, हमारे पैनल की प्राथमिकता है। और इसी कार्यशैली और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की थ्योरी पे कार्य करता है लड़का, और जितना डीपली इन्वॉल्व होके इस समिति को, सोसाइटी को, इसमें गृह निर्माण समिति को जितना इसने डेवलप किया है, मैं नहीं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसी संस्था होगी जो इतना नज़दीक से गहराइयों में जुड़ के कार्य करती होगी। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ। आशा करता हूँ अगले पाँच साल भी ये मेंटेन करेगा और स्मृति गृह निर्माण समिति की सोसाइटी को ऊंची ऊंचाई ले जाएगा, बहुत ऊंची ऊंचाई ले जाएगा। हम ये चाहते हैं अब जब भी चुनाव हो वापस राजीव चौबे ही जीत कर आए, और ये चौथी बार जब चुनाव हुआ है तो भारी वोटों से और ज़्यादा वोटों से जीते हैं, जो और ज़्यादा वोट से 100% वोट से आगे जीतते रहे, हम यही चाहते हैं। क्योंकि उनका काम बोलता है, जो उनके में सोचने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, जो उनका तरीका है वो शायद आसान ही है किसी और इंसान में होना, जो उनमें क्वालिटी है। जैसे कि घर पहुंच सेवा, सब्जियों को हम लोगों को मतलब बाहर जाने की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी सुविधाएं भी भैया बिल्कुल करवा रहे हैं, जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, जो उन्होंने बोला है, जिसका निर्णय उन्होंने लिया है वो ज़रूर वो पूरा करेंगे, इसका हमको पूरा पूरा विश्वास है। 100% खड़े उतरेंगे, क्योंकि अभी तीन बार से तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आ ही रहे हैं, तो चौथी बार जनता ने उन पर फिर से पुनः विश्वास किया है और 100% वो उनके विश्वास पे पूरे पूरे तरीके से खड़े उतरेंगे। देखिए, वो तो ऐसा है कि लगभग सारी चीज़ें बिना बताए कर ही देते हैं सारी चीज़ें, बट ठीक है आपने पूछ रहे हैं तो मैं यही बताऊँगी कि उनको ऐसे तो लेडीज़ क्लब वगैरह चल ही रहा है, उनका पूरा सहयोग मिलता ही मिलता है, आगे भी वो ये सुचारू रूप से करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। पूर्व अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में अब तक जिस प्रकार स्मृति नगर का विकास होता आया है, वह आगे भी
अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि नवनिर्माण पैनल ने बहुमत से अपनी जीत हासिल की है और अध्यक्ष पद पर एक बार फिर राजीव चौबे ही आसीन होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।